अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरी वन ऑफ़ यू इज़ फाइन। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो लेक्चर। माई लेक्चर नंबर इज़ 12 फॉर क्लास 10th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 11 होमियोस्टेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इन माई प्रीवियस वीडियो आई गेव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक ऑफ होमियोस्टेसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि होमियोस्टेसिस इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को डिफ़ाइन करती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन लिविंग थिंग्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। होम्योस्टेसिस में हम लोगों ने देखा था कि क्यों इंटरनल एनवायरनमेंट का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्स कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने देखा कि दो लेवल्स पे बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। वन इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड द अदर वन इज़ इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से मेन कॉम्पोनेंट्स हैं बॉडी के जिनको होम्योस्टेसिस के ज़रिए मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम लोगों ने वाटर, सॉल्ट और टेम्परेचर के बारे में बात की थी। आज हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? हमारी बॉडी का वो सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन करना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, नो मैटर के बाहर की दुनिया में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, बाहर चाहे वाटर अबंडेंटली अवेलेबल है चाहे बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, उस सूरत में बॉडी किस तरह से वाटर की अमाउंट को मेंटेन करेगी विद इन द बॉडी। टेम्परेचर चेंजेस को हम लोग कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर चेंजेस हमारी बॉडी किस तरह से कंट्रोल करेगी? बाय थर्मो रेगुलेशन। बाहर चाहे सर्दी है, विंटर सीज़न है या फिर समर सीज़न है, बॉडी किस तरह से इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी ताकि एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क कर सकें, डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रॉपरली वर्क कर सकें, वो थर्मोरेगुलेशन की तरफ होता है। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल देना। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? ये बॉडी के लिए जैसे अमोनिया है, यूरिया है, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं अगर ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। ये बनते कब हैं? ये डिफरेंट वजहों से बन सकते हैं। ये रेस्पिरेशन के दौरान बन सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड के दौरान बन सकते हैं, तो सेल्स के अंदर बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हार्मफुल हो जाएंगे बॉडी के लिए। तो ये पर्पज़ होता है एक्सक्रीशन का, कि बॉडी के अंदर से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकाल देना। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स का को प्रॉपर अमाउंट में मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर उनको अबंडेंटली वाटर अवेलेबल है तो पूरी बॉडी फ्लड अप हो जाएगी वाटर से, कि अगर वाटर ज़्यादा मिल रहा है तो सारा पीते जाएं या सारा अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करते जाएं तो पूरी बॉडी फ्लड अप हो जाएगी वाटर से, वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। या फिर अगर सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मरीन एनवायरनमेंट्स में सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं वाटर में, तो ऐसा नहीं कि बॉडी उन सारे सॉल्ट, क्योंकि आप ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, जिससे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सब सिस्टम जो है कंट्रोल करता है ऑस्मो रेगुलेशन। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इन साइड द सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कि अगर बाहर की अमाउंट में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, अगर बाहर मरीन वाटर है जहाँ पे सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और उसके कंपेयर में इन साइड सॉल्ट की अमाउंट बहुत लेस होती है, तो सॉल्ट हमेशा डिफ्यूजन के तहत हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो सॉल्ट हैं वो बॉडी के अंदर ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे, ज़्यादा बिल्डअप हो जाने की वजह से बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के तहत मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर और नेचर के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, जिसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और उसके अलावा ऑस्मोसिस क्या है? कि पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का मूव करना फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, दैट इज़ ऑस्मोसिस।
तो अगर बॉडी को ऐसे एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अगर हम लोग मेरीन सिचुएशन में देखें कि सॉल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है और इंटरनल में कम है, तो सॉल्ट अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दें, और इंटरनल एनवायरनमेंट में बॉडी के अंदर H2O यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर बाहर मूव करना शुरू कर जाए। अगर ऐसा हो, बॉडी होम्योस्टेसिस यहाँ पे मेंटेन ना कर सके, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सडन डेथ हो जाएगी, बिकॉज बॉडी कैन नॉट सर्वाइव विद विदाउट वाटर एंड विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वो उसके लिए पॉइजनस हो जाएंगे। या फिर अगर हम लोग सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल में वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इंटरनल में रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बहुत ज़्यादा है जैसे कि फ्रेश वाटर में होती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर होम्योस्टेसिस ना होती तो वाटर सारा बॉडी के अंदर रश करना शुरू कर देता और सॉल्ट बॉडी के बाहर रश करना शुरू कर देते, तो इस वजह से भी बॉडी की डेथ हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ना सिर्फ वाटर बल्कि सॉल्ट की भी मिकदार का होना बॉडी के अंदर ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं बॉडी के पास, ऐसे अडेप्टेशंस हैं कि इन कंपोनेंट्स को ऑल दो बाहर के इन्वायरमेंट में चाहे बहुत ज़्यादा हैं या चाहे बहुत ज़्यादा कम हैं, तो बॉडी इनको ना अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फ्लड अप ना हो जाए इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स से, और अगर बाहर कम है तो बॉडी लूज़ ना कर दे इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन चेक करता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेस का सामना ना करे एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ जो इन्हीं चीज़ों को एक बताएगी। आपने स्टैंडर्ड 9th में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, दैट इज़ टोनिसिटी ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब टोनिसिटी क्या है? सेल्स को एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, दैट इज हाइपोटेंशन, हाइपोटोनिक कह लें, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अगर बॉडी के पास होम्योस्टेसिस ना हो, सेल के पास होम्योस्टेसिस ना हो, द वाटर विल स्टार्ट रशिंग इनसाइड द सेल। इनसाइड वाटर के रश करने से क्या होगा? द सेल विल बिगिन टू स्वेल अप हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा और सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा, सेल ज़ाया हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? हाइपरटोनिक कंडीशन है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि बॉडी जो सेल है उसकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल, और यहाँ पे बिकॉज सॉल्ट ज़्यादा है तो रिलेटिवली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर बाहर की तरफ रश करना शुरू कर देगा और जो सेल है वो श्रिंक अप हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे भी जो सेल है बिकॉज ऑफ इट श्रिंकिंग अप, जब वो श्रिंक अप हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो इसके अंदर भी जो डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है सेल का, वो डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ बीइंग श्रिंक्ड अप। तो यहाँ पे भी सेल को नुकसान पहुँचा। तीसरी कंडीशन क्या है? आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन क्या है कि जहाँ पे सेल के अंदर की कंडीशन और बाहर की, आइसो मीन्स सेम, सेल के अंदर की और बाहर की कंडीशन जब सेम होती है तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। तो बॉडी के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए आइसोटोनिक कंडीशन का होना ज़रूरी है, लेकिन हर दफ़ा 100% आइसोटोनिक कंडीशन नहीं मिलती है, नहीं अवेलेबल होती है। बॉडी को हाइपोटोनिक कंडीशन का भी सामना करना पड़ता है, हाइपरटोनिक कंडीशन का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ड्यूटी बनती है ऑस्मो रेगुलेशन की कि ड्यूरिंग द हाइपोटोनिक सिचुएशन वो सारे के सारे वाटर को बॉडी के अंदर या सेल के अंदर रश ना करने दे, ड्यूरिंग हाइपरटोनिक कंडीशन सारे के सारे वाटर को सेल के बाहर ना निकलने दें बल्कि एक खास लेवल पे इनको मेंटेन कर सके नैरो रेंज में, यानी कि चेंजेस आएंगी लेकिन बहुत ज़्यादा ना आए, इतनी ज़्यादा ना आए कि बॉडी डैमेज हो जाए, और सिचुएशन को ऐसे बनाएं जैसे सेल की कंडीशन होती है आइसोटोनिक में। सो उम्मीद है आपको इसके ऑस्मो रेगुलेशन की समझ आई हो। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करते रहना, चेंज करते रहना अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पर चेंजेस इतनी स्वेयर नहीं होती हैं, एक नैरो रेंज के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं। होम्योस्टेसिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक फिक्स पॉइंट पे ला के बॉडी को सेट कर दो और उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आ सके। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि अंदर के एनवायरनमेंट को इतना मेंटेन या इतना रेगुलेट करें कि बाहर वाली जो चेंजेस हैं उसके ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना कर सकें। अब हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन हमने समझ ली है, जहाँ पे वाटर और सॉल्ट दोनों की रेगुलेशन की बात हो रही थी। अब हम लोग बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की, यानी कि टेम्परेचर मेंटेनेंस की। तो चाहे बाहर जो भी सूरत हाल है, चाहे बाहर लो टेम्परेचर है
या फिर हमारे एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर है, दोनों सूरत हाल में बॉडी को अपना एक कोर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। मैं ये इंसानों की बात कर रही हूँ। तो ये जो मेंटेनेंस है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की, इसको हम लोग कहेंगे थर्मोरेगुलेशन। इसके बारे में भी अब बॉडी के पास डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के अगले लेवल्स पे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बस छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे गर्मियाँ आती हैं, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है, बाहर के टेम्परेचर की वजह से अगर बॉडी का टेम्परेचर भी हाई होना शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर स्वेटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्वेटिंग क्या है कि वाटर इवेपोरेट करना शुरू कर देता है आफ्टर स्वेटिंग, तो इवेपोरेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा लो हो जाएगा। हम लोग ये केमिस्ट्री के रूल से जानते हैं कि जब वाटर इवेपोरेट होता है तो पीछे वाला जो वाटर है उसके अंदर ठंडक, मतलब कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है। तो जब हमारी बॉडी के ऊपर से इवेपोरेशन होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, और इस तरह से हमारी बॉडी जब टेम्परेचर हाई हो रहा हो अकॉर्डिंग टू आउटर टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन के ज़रिए टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है हमारी बॉडी। सिमिलरली अगर बाहर लो टेम्परेचर है और बॉडी का टेम्परेचर भी लो होना शुरू हो जाए तो हमारे अंदर शिवरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, या फिर गूज बम्स, जैसे हम लोग रोंगटे खड़े होने का भी कहते हैं। उससे क्या होता है, शिवरिंग के ज़रिए जब मसल्स बार बार शिवर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, तो उस दौरान मसल जो है हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो हीट हमारी बॉडी यूज़ करती है ताकि जो लो टेम्परेचर हो रहा था वो दोबारा एक पॉइंट पे आके मेंटेन हो जाए। सो दिस इज़ हाउ आवर बॉडी डू द होम्योस्टेसिस, मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस बाय थर्मोरेगुलेशन। यानी कि टेम्परेचर नैरो रेंज में ज़रूर चेंज होगा, नैरो रेंज में अगर बाहर लो टेम्परेचर है तो बॉडी का भी थोड़ा सा लो टेम्परेचर हो जाएगा। हमारे एक्सट्रीमिटीज यानी हमारे जो लिम्स हैं, हाथ बाजू और टांगे हैं, उनका टेम्परेचर लो होगा, लेकिन जो कोर टेम्परेचर होगा हमारे जो हमारा बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पे मेन ऑर्गेन्स हैं, वो हमेशा 37 के इर्द गिर्द ही मेंटेन रहेगा फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। इसी तरह अगर हाई टेम्परेचर है तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, पर एक नैरो रेंज के अंदर, जो कि हार्मफुल ना होगा एंजाइम्स की वर्किंग के लिए। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, चाहे वो हाई होता है टेम्परेचर चाहे लो टेम्परेचर होता है, इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। उससे एंजाइम की फंक्शनिंग के ऊपर असर पड़ सकता है, एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं, फंक्शनिंग स्टॉप कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी ख़त्म हो सकती है। उसके बाद जो थर्ड थिंग है जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या है और क्यों इनका रिमूवल होना ज़रूरी है, तो एक्सक्रीशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अलॉन्ग विद ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन, जो कि बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्सक्रीशन इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, बॉडी के अंदर से निकाल दिए जाते हैं। अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर बिल्टअप होना शुरू हो जाए तो बॉडी जो है उसके अंदर पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नुकसान होता है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को। तो इंटरनल कंडीशंस को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको वक्तन फवक्तन बॉडी जो है अपने अंदर से निकालती रहे। मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोडक्ट ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी। ऐसा कोई भी मटेरियल जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और अगर ये एक्यूमुलेट हो जाए तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन सब का वक्तन फवक्तन बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है। सो ये हमारे तीन मेन स्टेप्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तीन मेन अडेप्टेशंस हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को बरकरार रखती है, होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था थ्री मेन थिंग्स हैं, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉल्ट्स, और उसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट भी हैं। तो इनके लिए हमारे पास टेम्परेचर के लिए थर्मोरेगुलेशन है, वाटर एंड सॉल्ट के लिए ऑस्मोरेगुलेशन है, और एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी के पास द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने होम्योस्टेसिस के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारी बॉडी यूज़ करती है उसके बारे में स्टडी किया है। उम्मीद है आपको इस तमाम स्टेप्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है, प्लांट्स के अंदर शिवरिंग नहीं है जैसे हमें होती है, प्लांट्स के अंदर स्वेटिंग नहीं है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होती है जिससे उनकी बॉडी कूल डाउन होती है, हमारी तरह स्वेटिंग नहीं है उनके अंदर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि उनके अंदर किस तरह की चेंजेस आती हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।